नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आरके जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होती है। दिल्ली सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह से तैयार है। घर घर पर अधिकारी डेंगू की जाँच करने जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान बड़े स्तर पर चला रही है। नई दिल्ली, ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में कल 39 कोविड पॉजिटिव केस आए थे। पॉजिटिविटी रेट 0.06, यानी 10,000 टेस्ट करने पर 6 पॉजिटिव केस आ रहे हैं और कोई भी डेथ नहीं हुई थी। पिछले 2 महीने से कोरोना दिल्ली में काफ़ी हद तक कंट्रोल में, पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें और जब भी पब्लिक में जाएं, बाहर जाएं, तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुझे लगता है कि दिल्ली के सब लोग मिलके कोरोना को हम जीत सकते हैं। कोरोना कंट्रोल में लेकिन डेंगू के केसेस बढ़ते दिख रहे हैं, बीते एक हफ्ते में 50 से ज़्यादा। देखिएगा, मेरे डेंगू का मैं आपको बता देता हूँ, वो 200 जो केसेज हैं वो एक दिन के नहीं है, पूरे एक साल के। 50 से ज़्यादा पिछले साल का मैं आपको डाटा दे देता हूँ। एक सेकंड लगेगा। अभी तक सितंबर में मंडे तक, मतलब इस संडे तक जो केसेज आए हैं वो 87 केस आए हैं। इस संडे तक सितंबर के महीने में 87 केस दिल्ली में डेंगू के आए हैं और पिछले साल सितंबर में 188 थे, उससे पिछले साल 190 थे, उससे पिछले साल 374 थे, उससे पिछले साल 1100 थे, 1103 थे, उससे पहले 1300 थे और उससे पहले 6775 थे। तो अभी जो 87 है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने में ही सबसे ज़्यादा केस आते हैं हिस्टोरिकली। तो सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? सरकार पूरी तरह से, जितने भी है ना, घर घर पर डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर जा रहे हैं। पूरा हमने अभियान चलाया हुआ है कि 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट वाला, जो बहुत ही कामयाब रहा है पिछले 2 साल के अंदर, जिसकी वजह से, क्योंकि जनता की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मच्छर जो पनपने की जगह एक नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, मच्छर जो ये साफ़ पानी में होता है, डेंगू का जो मच्छर है घरों के अंदर या घर के आसपास जो बिल्कुल साफ़ पानी, स्टैगनेंट वाटर होना चाहिए, साफ़ पानी जो होना चाहिए उसी में होता है। तो लोगों को जागरूक किया, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने सहयोग किया, जिसकी वजह से 2 साल से काफ़ी कामयाब रहा। मैं फिर से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसका साइकिल 10 दिन का होता है, अंडे देने से लेकर मच्छर बनने तक का 10 दिन का होता है। अगर हफ्ते में एक दिन 10 मिनट का समय आप लगाएंगे, अपने पूरे घर को अच्छी तरह देख लीजिए, कहीं भी पानी स्टैगनेंट हो तो उसको उड़ेल के साफ़ कर दीजिए, बर्तन को, फ्लावर वाज है या कूलर का है, सबको बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। घर के आसपास बालकनी में, खासतौर से छत पे, कई बार घरों की छत के ऊपर टायर पड़ा हुआ है, कोई चीज़ पर ढक्कन है, अगर ढक्कन भी है बॉटल का, उसके अंदर थोड़ा सा बारिश का पानी आ गया तो उसके अंदर मच्छर अंडे दे सकता है। तो अगर 10 मिनट हफ्ते में एक बारी दिल्ली के सभी नागरिक, हर परिवार में एक ही नहीं करना है, सबको भी करने की जरूरत नहीं है, वो देख ले, तो इसके ऊपर जैसे पिछले 2 साल हमने बहुत अच्छी तरह से कामयाबी पाई थी, इस साल भी हम कामयाबी जरूर पाएंगे। लेकिन सर, नगर निगम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के कई अधिकारियों की यहाँ लार्वा पाए गए, उनके चालान काटे गए हैं। नहीं, वो तो देखो, किसी के यहाँ भी मिलेगा, अधिकारी है या कर्मचारी है या पब्लिक है, तो उसके खिलाफ चालान तो होगा। सर, एक विवाद शुरू हो गया, ब्रिटेन कह रहा है कि कोविशील्ड को मान्यता नहीं दे रहे, भारत के लोगों को 10 दिन क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, वैक्सीन को अब सवाल उठ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोविशील्ड को तो पहले उन्होंने दे रखा था मान्यता सर, अभी लेकिन कह दिया है कि 10 दिन क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये मेरे लिए नई जानकारी है, अभी तक हमें था कि कोवैक्सीन को भी मान्यता नहीं मिली थी, कोविशील्ड को तो मिल रही थी, और क्योंकि कोविशील्ड तो उनके देश में भी वही लग रही है, यूके के अंदर भी कोविशील्ड लग रही है, दूसरे नाम से लग रही है, पर एस्ट्राजेनिका जो है उसी के नाम से लग रही है, सेम है। सर, लेकिन कोविशील्ड जो भारत में बड़ी संख्या में लोग लगवा रहे हैं, उनको ब्रिटेन में मान्यता ना देना, कहीं ना कहीं भारत के साथ नहीं, इसके ऊपर देखिए कमेंट तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय देगा, पर मेरा मानना है कि सेम वैक्सीन है और उसमें मान्यता ना देने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। सर, डेथ ऑडिट कमेटी जो आप लोगों की तरफ से बनाई गई थी, उस पर लगातार विवाद चला, कल हाईकोर्ट की तरफ से उस पर कुछ टिप्पणियाँ दी गई। केंद्र सरकार ने देखिए इसके ऊपर बहुत राजनीति की है, केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में भी कहा कि जी पूरे देश के अंदर, दिल्ली छोड़िए, पूरे देश में भी ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई थी कि भाई उसको पता कर ले, लोग अपने बताएंगे कि भाई हमारे घर में किसकी डेथ हुई, ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में डेथ हुई, कहाँ पे हुई। तो उसके लिए उन्होंने LG साहब के माध्यम से उस कमेटी को रुकवा दिया, उस आदेश को रुकवा दिया। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, हाईकोर्ट ने उसको समझा, अच्छी तरह देखा और हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, अगर जो डेथ हुई है उनको पब्लिक में लाना कोई गलत बात थोड़ा है, छुपाने से तो थोड़ा काम चलेगा,
हमने कहा है कि जो डेथ ऑडिट कमेटी है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं पर भी अगर डेथ हुई है तो कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, उसको बता दे, फैक्ट्स को देख लिया जाएगा और उसको कंपनसेशन भी देंगे। सरकार ने कहा था 5 लाख तक का कंपनसेशन देंगे, तो उसमें केंद्र सरकार ने बहुत गड़बड़ की थी और छुपाना चाहती थी जनता से। उनका कहना था, अच्छा देखिए, अगर कोई भी डेथ नहीं हुई होती, मीडिया में रोज चल रहा था कि इस अस्पताल के सामने खड़े होकर आप कर रहे थे आप लोग कि इस अस्पताल में 4 डेथ हो गई, इस अस्पताल में 2 डेथ हो गई, अखबारों में छप रहा था, तो इसका मतलब जो लाइव कवरेज चल रही थी क्या वो झूठी थी, वो क्या गलत थी? तो डेथ तो हुई थी, सबको पता है, पर उसको सरकारों को उसको छुपाने भी नहीं लगना चाहिए। केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल ही गलत काम किया कि एक तो त्रासदी हुई घरों में जिनकी डेथ हुई, दूसरा उसको कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है उसको ब्रश अप नहीं करना चाहिए और सरकार को अगर ऐसा हुआ है तो उसको मान लेना चाहिए। और दिल्ली सरकार की जो स्टैंड था डेथ ऑडिट कमेटी बनाने का, उसको हाईकोर्ट ने उसको कहा है कि ठीक है। तो आप लोग फिर से फाइल एलजी को भेजेंगे इसकी? अब तो हाईकोर्ट का ऑर्डर अब तो हो ही जाएगा, अब तो रोक नहीं पाएंगे एलजी साहब, तो जरूरी होगी प्रक्रिया। हाँ जी, अब तो नहीं, अब तो दिखेगा, बनी जाएगी, अब तो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, हो जाएगा। सर, आदेश में ये भी कहा गया है कि किसी भी अस्पताल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर कोई अस्पताल, देखिएगा ये जो डेथ ऑडिट कमेटी हमने बनाई थी कि अप टू 5 लाख का कंपनसेशन दिल्ली सरकार देगी, हमने ये नहीं कहा था कि भाई अस्पताल देगा। और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जो अगर मेडिकल नेग्लिजेंस अलग इश्यू होता है, मेडिकल नेग्लिजेंस को ये कोई कमेटी नहीं देख सकती, उसके लिए मेडिकल काउंसिल होती है, मेडिकल काउंसिल में जाएगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई है। मेडिकल नेग्लिजेंस ये नहीं देख सकते, ये तो सिर्फ देख सकते हैं, हाँ जी अगर ऑक्सीजन कमी, अरे भाई आपको दिल्ली में क्या पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन नहीं थी। अगर ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई तो उसमें किसी को ये कहना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वो इस कमेटी का रोल नहीं है। इस कमेटी का रोल ये है कि ये पता करना कि अस्पताल के अंदर किसी भी व्यक्ति की अगर ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है तो पता करे और उसको कंपनसेट करना। सर, जो डेंगू को लेकर अभियान चल रहा है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, उस दौरान दिल्ली सरकार के दफ्तरों में से लार्वा मिलना जो एलसीडी की तरफ से चालान किया जा रहा है, तो क्या सरकार कुछ इसको लेकर आदेश जारी करेगी कि दिल्ली सरकार के दफ्तर खासतौर? नहीं नहीं, बिल्कुल ऑलरेडी किया जा चुका है कि सभी HODs को कहा गया है कि अपने अपने दफ्तर के अंदर पूरी तरह से ध्यान रखें, और उनसे भी कहा गया है कि उसको संडे छुट्टी होती है कि वर्किंग डे के अंदर वो भी अपने आप एक दिन अभियान चलाएं, कि हफ्ते में एक दिन वो भी 10 मिनट का अभियान चलाएं। सर, सब्जी मंडी जो बिल्डिंग गिरी थी उस मामले में एक रिपोर्ट आई है, एमसीडी के जो अधिकारी थे उन्होंने पेश किया, उसमें कहा गया कि इसमें बिल्डिंग गिरने में किसी भी अधिकारी का कोई दोष नहीं है, बिल्डिंग 80 साल पुराना था इसके हादसा में। जब उनको कंप्लेंट मिल चुकी थी और डेंजरस बिल्डिंग थी, तो स्लिप अप होने की जरूरत नहीं है, जिनका इसके अंदर एक्शन जिन्होंने नहीं लिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी? देखो, MCD की अधिकारियों पे कार्रवाई करने के अधिकार दिल्ली सरकार का नहीं, MCD का है।